हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैं जन्माष्टमी स्पेशल आपको पेड़े सिखा रही हूँ, जो मथुरा के पेड़े हैं उस टाइप के पेड़े हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, तो कुछ मीठा हो जाए इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। तो आइए इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने मावा लिया है, मार्केट से लिया है मावा, होममेड भी बनता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने 150 ग्राम मावा लिया है। ये बूरा है, देसी बूरा आती है। बूरा मैंने 50-60 ग्राम्स लिया है। थोड़ा मिल्क लिया है, वो हम बाद में देखने वाले हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। 2 टेबल स्पून घी है और इलायची पाउडर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पैन को हमने गरम कर लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ ताकि मावा नीचे लगे ना, और ये इसमें मैं ऊपर से मावा डाल दूंगी। और इसको मीडियम गैस पर हम ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए, मावा तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, खुशबू आने लगेगी। इसको ऐसे हमें ब्राउन करना है। आप देखिए, चलाते रहें इसको पूरा। मैंने मावा को मार्केट से, मावा जो आया था वो थोड़ा टाइट था, उसको किसनी से किस लिया है, कद्दूकस से किस लिया है, तो वो इजी हो गया है मिलाना। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर फ्रिज का मावा है ठंडा है तो आप उसको कद्दूकस से कस सकते हैं, किस सकते हैं। ये देखिए, लगातार चलाते हुए हमें भूनना है इसको जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये मैं इसलिए कहती हूँ ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। ये देखिए, मावा भुनना शुरू हो गया है। थोड़ा हमें इसको ब्राउन रखना है, कुछ लोग वाइट भी बनाते हैं लेकिन हम थोड़ा सा ब्राउन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मावा अच्छे से भुन गया है, ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे अगर मावा भुरभुरा हो जाता है, सूखा सूखा होता है, किसी किसी मावे में घी कम होता है, तो हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें घी अच्छा दिख रहा है इसलिए मैं दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज इस स्टेज पे हम थोड़ा सा दूध मिलाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, बस ऐसे कि इजीली हाथ लगा सके हम इसमें, ताकि बूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें। अब हम इसमें बूरा डाल देंगे। देखिए, यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी, बूरा आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, इस स्टेज पर आप चख सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए उतना मीठा डालकर आप इसको चख सकते हैं। थोड़ा मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, इसमें हमारी करीब 40 ग्राम्स के करीब ही हमारी बूरा जो है वो लगी है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे और इसको ऐसे पेड़े की शेप देंगे। आप ऐसे करके गोल पेड़ा भी ऐसे रख सकते हैं। आप देखिए, इस टाइप से भी आप पेड़ा बना सकते हैं। और एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा डिज़ाइन अगर करना है। कितना अच्छा भुना हुआ है, ब्राउन कलर आ रहा है। आप यहाँ पे इलायची पाउडर में ऐसे अपनी 2 फिंगर्स ऐसे डिप करेंगे, 3 फिंगर्स, और उसको हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे ही हम बाकी सब पेड़े भी बना लेंगे। देखिए, 3 ऐसे फिंगर लगा देंगे जिससे इलायची ऊपर से चिपक जाएगी। ये देखिए, पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। आप आज ही ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।